तीसरा है जो स्किनर का सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। तो इसके जो अन्य नाम थे वो थे साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंध का नियम। तो स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था चूहे पे। ये एक सफेद रंग का चूहा था और ठीक है, इसको एक विशेष प्रकार के बॉक्स में रखा हुआ था जिसे हम बोलते थे, जिसे बोला जाता था स्किनर बॉक्स। और इस बॉक्स में एक छोटा सा मार्ग था, ठीक है, छोटा सा मार्ग था जिसका जो कि संबंध था उसका एक लीवर से, और ये लीवर था ये जुड़ा हुआ था प्याली से। तो जैसे ही लीवर पर पैर पड़ता था तो एक खट की आवाज आती थी और खाने में प्याली में आ जाता था आपका खाना। तो जब चूहे को इस स्किनर बॉक्स में छोड़ा गया तो जब वो इस मार्ग से होता हुआ गया तो उसका पैर लीवर पर पड़ गया और आवाज आई और प्याली में आ गया खाना। इसके अलावा इस बॉक्स में एक ये भी व्यवस्था थी कि उस खट की आवाज के अलावा उसमें कोई भी आवाज नहीं थी, किसी प्रकार का शोर उसमें या शोर या आवाज उस बॉक्स में नहीं थी। तो अब जो यहाँ पे खाना था ये उस चूहे के लिए पुनर्बलन का कार्य कर रहा था, यानी रिइंफोर्समेंट का कार्य कर रहा था। अब इस क्रिया को बार बार दोहराया गया क्योंकि चूहा जो था वो भूखा था, तो खाने जो भोजन है ये उसको पुनर्बलन मिला और उसने अपनी क्रियाएं जो है वो तेज तेज करनी स्टार्ट कर दी। तो लास्ट में जब ये प्रयोग किया उन्होंने चूहे का, तो उन्होंने इससे क्या सिद्धांत निकाला, तो स्किनर ने इससे सिद्धांत निकाला कि सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन यानी रिइंफोर्समेंट द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप में जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है और सीखने वाला अंत में सिखाने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। जैसे जब चूहे को खाने का पुनर्बलन मिला तो उसने बार बार लीवर के ऊपर पैर रखना स्टार्ट कर दिया एट द एंड। तो जब यहाँ पे भी बच्चे को सुनियोजित रिइंफोर्समेंट मिलता है तो उसकी जो सीखने की जो इच्छा शक्ति होती है उसमें भी वो भी सीखने में समर्थ हो जाता है और जो उसके कार्य करने की क्षमता होती है उसको वो जल्दी जल्दी पुनरावृत्ति होती है और उसको रिइंफोर्समेंट का जो होता है बल मिल जाता है। अब जब बात करते हैं हम शैक्षणिक महत्व या एप्लीकेशंस की, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है जो स्किनर के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटने पर बल दिया जाता है जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो। तो स्किनर के सिद्धांत पर ही जो पाठ्यक्रम है उसको छोटे छोटे पदों में बांटने की बात कही गई है। छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। यह सिद्धांत बताता है कि यदि छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो विद्यार्थी अपने कार्य में अधिक उन्नति कर सकते हैं। तो यहाँ पे परिणाम का ज्ञान एक पुनर्बलन का कार्य करता है, चाहे वो नेगेटिव भी हो सकता है कि तू फेल है या फिर तू पास है फर्स्ट डिविजन से, तो ये उसका अगर फेल वाला बच्चा होगा तो फिर वो और अधिक मेहनत करेगा, जबकि जो फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा होगा वो और ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करेगा। तो इसी तरीके से उसके कार्य में पुनर्बलन का कार्य करता है परिणाम का ज्ञान। ठीक है, जो सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का अत्यधिक महत्व है। पुनर्बलन के अनेक रूप हो सकते हैं। पुनर्बलन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट भी हो सकता है, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी हो सकता है, जैसे दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान आदि, ये सब पुनर्बलन के ही भाग हैं। अब जो फोर्थ और लास्ट जो सिद्धांत है वो है कोहलर का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने जो प्रयोग किया था चिंपैंजी पर किया था, इस पर अभी हम बात करते हैं। तो जो इस अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का जो सिद्धांत है ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। और जो गेस्टाल्ट का एक जो है जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्र रूप में लेना। ठीक है, गेस्टाल्ट का अर्थ जो है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। अब हम बात करते हैं इसके प्रयोग की। तो जो कोहलर था उसने जो प्रयोग किया एक चिंपैंजी पर किया जिसका नाम था सुल्तान। अब उन्होंने क्या करा, इसे ये जो कि भूखा था इसे एक कमरे में बंद कर दिया और उसकी छत पर आप इन्होंने केले टांग दिए, लेकिन ये जो केले थे ये उसकी पहुंच से बाहर थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपने प्रयोग में क्या करा कि वहां पे तीन चार बड़े बड़े बॉक्स रख दिए।
तो जब चिंपैंजी केले नहीं पा सका तो उसने क्या करा, लास्ट में बॉक्स को एक साथ इकट्ठा करे और एक पिरामिड टाइप का बनाया और केले ले लिए। उसके बाद उन्होंने दोबारा ये प्रयोग करा और बॉक्स के स्थान पे उन्होंने कुछ छड़ियां रख दी, 3-4। तो फिर से उन्होंने ये प्रयोग करा तो चिंपांजी जो था, सुल्तान जो था, उसने फिर से केले प्राप्त कर लिए। तो जब उन्होंने अपना प्रयोग बार बार दोहराया तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक बार जो चिंपांजी है वो अपने प्रयासों में सफल हो जा रहा है और केले प्राप्त कर दे रहा है। तो इन सब के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चिंपांजियों ने जो था परिस्थितियों को अपने समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण किया, ठीक है, और जो परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री थी तथा समस्या के हर पहलू को उन्होंने गंभीरता पूर्वक विश्लेषण किया, ठीक है, विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण करने के बाद उचित संबंध स्थापित करने की चेष्टा कर, और लास्ट में जो समस्या थी और उससे संबंधित पहलू थे उनको तुरंत ही उसने समझ लिया और उनका हल उनके मस्तिष्क में आ गया, ठीक है। अब बात आती है इसके कि कोहलर का जो सिद्धांत है उसका उसकी शैक्षिक उपयोगिता क्या है, हम क्यों एक चिंपैंजी को अपनी शिक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसकी एप्लीकेशंस में ये होता है, सबसे पहला कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। बालकों के बौद्धिक विकास हेतु उनकी अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक होती है। सबसे बड़ी बात है कोहलर के सिद्धांत की कि बालकों के जो विकास हो रहा है तो उनकी स्वयं की अंतर्दृष्टि अथवा सूझबूझ बहुत सहायक है। अगर किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि अगर बालकों की तो बालकों में के विकास में अंतर्दृष्टि एवं सूझबूझ बहुत सहायक है, ये किस सिद्धांत के द्वारा समझा जाता है, तो उसका आंसर होगा कोहलर का। इसलिए इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनकी अंतर्दृष्टि और सूझबूझ के द्वारा उन बच्चों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, पाठ्यक्रम के निर्माण में सूझबूझ अथवा अंतर्दृष्टि प्रक्रिया को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाता है, ठीक है। बच्चों की सूझबूझ को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों को एकीकृत किया जाता है। यदि सीखने से होने वाले लाभों का पहले से ही पता चल जाए तो बालक अपनी बुद्धि तथा सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा। तो ये बात हो गई कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के एप्लीकेशंस की। ये चारों सिद्धांत आपके सीटेट और सारे जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन चारों सिद्धांतों को आपको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से उनकी एप्लीकेशंस को ध्यान में रखना है। तब आज की वीडियो में बस इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ नए ज्ञान के लिए। तब तक के लिए गुड लक फ्रेंड्स फॉर योर एग्जाम।